हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे सिक्स में। आज ये वीडियो का छठा दिन है और यहां तक मेरे भाई बड़ा मेहनत लगती है सारी चीजें करने में, रिसर्च। तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताया करिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए। टेलीग्राम पे जाके BD Cadet BSc सर्च कर लीजिए, नोट्स वहां पे पड़े हुए हैं, जाके पेपर दे आओ मेरे भाई, मजा काट दोगे सर, ठीक है। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फेज इक्विलिब्रियम। ये दूसरी या तीसरी यूनिट होगी सर। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो दो सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक टू कंपोनेंट सिस्टम और एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट क्या होता है, फेज क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, पहले हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। प्लेटफॉर्म बनने के बाद दो सिस्टम्स हम आपको प्रॉपर डिटेल में बताएंगे और एक सिस्टम और बता देंगे कि अगर आ जाता तो आप कैसे लिख सकते हो सर, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दे रहा है, सिक्स वीडियो ही है ये, लेकिन लगभग केमिस्ट्री आपकी इन छह वीडियोज में ही खत्म हो गई है। सातवीं वीडियो में हम कुछ बहुत थोड़े बहुत आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, जो छूटा छाटा रह गया होगा वो बता देंगे, और अपनी पूरी 7 डे की सीरीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहां तक भी पूरी वीडियो को देख लिया है छह को, तब भी आपका काम बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगा सर, ठीक है। तो सबसे पहले है फेज रूल, बहुत आराम से समझिए, ये शॉर्ट में 2 नंबर 3 नंबर में आपको मिल सकता है। क्या होता है फेज रूल, कुछ कठिन नहीं है, गिफ्ट भाई साहब ने दिया था ये फेज रूल, ये होता है ठीक है। एफ बराबर सी माइनस का पी प्लस टू, ठीक। क्या क्या है इसमें बताओ भैया, एफ माने क्या है, एफ माने है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। एफ माने डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी माने है कंपोनेंट्स, और पी मतलब है फेज, ठीक है भाई। तो अब हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो यहां लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट्स और नंबर ऑफ फेजेस, ठीक। अब देखो, सबसे पहले जब हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां पर भी यह शब्द हम लोगों ने सुना था डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था कि कोई कितनी तरीके से गति कर सकता है, कि अगर मच्छर है वो हवा में उड़ रहा है तो वो लंबाई में उड़ सकता है, चौड़ाई में उड़ सकता है, ऊंचाई में उड़ सकता है, इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। कोई चींटा है, ये अभी इसे अभी दिमाग में मत लाइएगा, बिल्कुल बाहर रखिए। कोई चींटा मेज पे चल रहा है तो वो लंबाई चौड़ाई में चल सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। ये फिजिक्स में चलता है सर, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या होगा, मान लिया कोई गैस है, सब लोग ध्यान से समझे, मान लिया कोई आदर्श गैस जिसे आप आइडियल गैस कहते हो, उसके लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बताओ, पीबी बराबर आरटी होता है मेरे भाई, पीबी बराबर आरटी होता है दोस्त। पी माने प्रेशर, पी माने प्रेशर, वी माने वॉल्यूम, वी माने वॉल्यूम, आर तो नियतांक होता है, 0.082 मान होता है इसका, ये तो कांस्टेंट है सर, ठीक है, और टी फॉर टेम्परेचर। अगर कोई आपसे कहे कि ये 1, 2, 3 वेरिएबल हैं इसमें, इन तीनों के मान आपको निकालने हैं, तो आप कहोगे कि सर 3 में से कम 2 के मान हमें बता दो, तो हम समीकरण में रख देंगे, आर का मान 0.082 नियतांक है, तो तीसरे का मान भी निकल आएगा। यानी किसी के भी जितने वेरिएबल्स हैं उनके बारे में जानने के लिए कम से कम जितने चाहिए। अरे यार आराम से समझो, मान लिया पीबी बराबर आरटी फार्मूला है, ठीक, आर का मान तो नियतांक है, यानी इसका मान हमें नहीं निकालना, हमें 3 मान निकालने हैं। तो 3 मान कब निकलेंगे, जब हमें किन्हीं 2 का मान पता होगा, किन्हीं 2 का मान पता होगा, किन्हीं 2 का मान अगर पता है तो समीकरण में रख देंगे, तीसरे का अपने आप निकल आएगा। तो आदर्श गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2, क्योंकि कम से कम 2 मान पता होने चाहिए तभी हम तीसरे का मान निकाल पाएंगे, ठीक है भाई। तो इसके केस में क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देखिए सर, किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएबल्स की वो मिनिमम क्वांटिटी, कम से कम वो क्वांटिटी जिन्हें बताने पर सिस्टम के शेष वेरिएबल्स अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं, सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है सर, ठीक है। बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए, फॉर अ प्योर गैस के लिए, जो भी हमने आपको बताया, प्योर गैस किसे, आदर्श गैस समीकरण को फॉलो करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को, और वो होती है पीबी बराबर आरटी। तो पीबी बराबर आरटी हमने लिख दिया, इसमें कम से कम 2 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने के लिए, कम से कम 2 वेरिएबल्स पता हो तो तीनों वेरिएबल्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अतः एक रियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर है फॉर अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, यानी अगर 2 गैसेस का मिक्सचर है तब क्या होगा मेरे भाई, तब यहां पे देखिए, तब क्या हो सकता है, कोई 2 गैसेस के होमोजेनस मिक्सचर के वेरिएबल्स पी टी बी, और संग में अब की आ जाएगा कंपोजिशन। देखिए, जब तक नॉर्मल गैस है तब तक कौन कौन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, लेकिन जब मिक्सचर हो गया तो हमें मिक्सचर में जो कंपोजिशन यानी दोनों का मिक्सचर है उसकी स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो इस बार हमें 1, 2, 3 कम से कम 3 मान निकालने पड़ेंगे, तब चार, जरूरी नहीं है 1, 2, 3 या 1, 2, 3,
चार में से कोई तीन चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, तब जाके हम बता पाएंगे कि टोटल सारे मान क्या क्या है। ठीक भाई, तो किसी मिक्सचर ऑफ टू गैसेस के लिए कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीन होता है सर। ठीक है, उसके बाद है लिक्विड वाटर रिवर्सिबल वाटर वाटर वेपर सिस्टम। ठीक है सर, अब ये क्या आइटम है, लिक्विड वाटर क्या होता है, लिक्विड वाटर का मतलब होता है सरल भाषा में कहते पानी यार, और वाटर वेपर क्या होता है, मतलब भाप की अवस्था है सर। ठीक है, तो इसमें दो ही आपको दिख रहा, एक दो, जरा देखिए यहां पर, यह इक्विलिब्रियम एक डेफिनेट टेंपरेचर और प्रेशर पर होती है, अतः एक वेरिएबल को कैलकुलेट करके दूसरा वेरिएबल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सबको पता भाई पानी कितने पे भाप, मतलब कितने पे उबलना शुरू हो जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक निश्चित टेंपरेचर पे होता है, एक निश्चित प्रेशर पे होता है, कि इतना ही टेंपरेचर होना चाहिए, इतना ही प्रेशर होना चाहिए, दो ही वेरिएबल्स होते हैं। तो इन दोनों में आयतन तो कितना भी हो सकता है यार, हम 100 ml पानी उबाल रहे हैं, 200 ml उबाल रहे हैं, 1 लीटर उबाल रहे हैं, उससे थोड़ी मतलब है। तो इसका मतलब यह कि दोनों में से एक चीज अगर हमें पता है तो दूसरी हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे सर। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, जैसे यहां लिखा हुआ है, यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। यानी अगर आपने टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबल रहा, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि इसकी कंडीशन ही यही है कि 100 डिग्री और 1 atm पे उबलेगा ये, तो इसका मतलब 1 atm इसका प्रेशर होगा सर। ठीक है, उसके बाद है आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर। सब लोग समझते हैं ये क्या है, आइस मतलब बर्फ है, लिक्विड वाटर मतलब क्या, पानी है, और वो क्या है, बाष्प है सर। ठीक है, यह इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, टी का मान इतना होना चाहिए 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड, पी का मान इतना होना चाहिए 4.58 mmHg पर एग्जिस्ट करता है। इसके लिए क्या मतलब, अतः किसी एक वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होती, और इसके किसी भी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम शून्य होती है। यानी ये जो पूरा इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है सर, ये निश्चित है, क्या निश्चित है, कि जब इतना ही मान होगा तभी ये इक्विलिब्रियम हमें मिल पाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस वाली इक्विलिब्रियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है सर। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग से भी पूछी जा सकती है, ये बात आप समझ लें, अलग से पूछे जाने का मतलब क्या, तीन नंबर, चार नंबर, तीन नंबर में, दो नंबर में ऐसे पूछा सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी सिस्टम के सभी फेजेस के कंपोजिशंस को केमिकल इक्वेशन फार्मूला की रिक्वायरमेंट होती है, अतः उस नंबर ऑफ उसे नंबर ऑफ कंपोनेंट कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में निगेटिव साइन या जीरो का यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स है कि कितने कंपोनेंट्स है वो मिलकर बना हुआ। अभी हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल की सहायता से, टेंशन मत लेना भाई। ठीक, जैसे अब ये जब आप समझोगे H2O वाला, H2O दो कंपोनेंट हम आपको समझाएंगे और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी क्या कंपोनेंट है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है और क्या फेज है। जरा समझिए, कुछ लोग कहेंगे सर जी वो कंपोनेंट समझ में नहीं आया, बताओ भाई। लो, यहां लिखा हुआ है H2O सिस्टम। ठीक, H2O एक वन सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है। क्या मतलब, जब बताओ, अच्छा बताओ भैया, बताओ बर्फ का फार्मूला क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे सर जी H2O, बताओ पानी का फार्मूला क्या होता है, सर जी अगेन H2O, भाप का फार्मूला क्या होता है, सर जी अगेन H2O। देखो भैया, ये देखो, ये सारे कंपोनेंट कितने आ रहे हैं, एक ही कंपोनेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंपोनेंट का मतलब कितने फार्मूलों से उसे लिखा जा सकता है, वो कितने कंपोनेंट सिस्टम है सर। ठीक है, लेकिन यहां पे फेजेस कितनी हैं, अब फेज और कंपोनेंट में फर्क समझिए, पानी एक फेज है, ठोस मतलब बर्फ दूसरी फेज है, और भाप तीसरी, ये फेजेस हैं अलग अलग, जिसे हम लोग अवस्था कहते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और भी आपने पढ़ रखी हो बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, और आपने पढ़ रखी होगी प्लाज्मा, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे मोटा मोटा ठोस, द्रव, गैस। ठीक है भाई, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल कंपोनेंट सिस्टम H2O। देखो भाई, कहने के लिए लोग बहुत डराएंगे कि बहुत कठिन होता है सिस्टम, बहुत खतरनाक होता है, नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ग्राफ समझना है। अगर आपने ये ग्राफ समझ लिया तो बहुत आराम से आप कर लोगे। फेज रूल हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं क्या होता है, बताओ, F बराबर C माइनस का P+2, ये हम आपको फेज रूल बता चुके हैं, ऊपर आज की इस वीडियो की शुरुआत ही इसी से हुई है। ठीक भाई, इसका हम लोग यूज करेंगे। देखो भाई, ये क्या है, इधर कौन है, प्रेशर है, प्रेशर मतलब दाब है, इधर कौन है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब ताप है। ठीक भाई, यहां से ये कर्व स्टार्ट हुआ है बीओ, ओ से लेके ए तक। ठीक है, और एक ये कर्व है, अगर हम लोग इनका नाम की बात करें तो इस कंडीशन में ये बर्फ है, बर्फ मतलब आइस है सर। ठीक है, यहां पानी है। ठीक है, इसे कह रहे हैं फ्यूजन कर्व, अभी हम आपको बताएंगे क्या करके। इधर ये क्या है, वेपर है, वेपर का मतलब क्या है, भाप की अवस्था है सर। ठीक है, अब इसे आराम से समझो आप, इसे कहते हैं वेपर प्रेशर कर्व, या इसी, अब ठीक, वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं, इसे कहते हैं सब्लिमेशन कर्व, और इसे कहते हैं फ्यूजन कर्व।
एक एक करके समझते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है विलय। इधर इधर क्या है मेरे भाई, ये देखो बर्फ है, ठोस है ना, और इसके उधर क्या है, देखो पानी है। यानी पानी को पिघल जा इस कर्व के इधर, ये एक वो लाइन है कि इस लाइन के जब तक इधर रहेगा तब तक तो बर्फ रहेगा, और जब उधर चला जाएगा तो पानी हो जाएगा। यानी बर्फ घुल गया, बर्फ फ्यूज हो गया, बर्फ का फ्यूजन हो गया काय में पानी, इसलिए इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्यूजन कर्व कह रहे हैं। ये क्या है भाई, ये सब्लिमेशन कर्व है। अब सब्लिमेशन कर्व क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं उधर्वपातन। क्या कहते हैं? उधर्वपातन। बर्फ पिघलाया, क्या बना? पानी। फिर और गर्म करा तो क्या बन गई? भाप। लेकिन ऐसा कोई जादू हो जाए कि बर्फ पिघले ना सीधे भाप बन के उड़ जाए, ठोस से सीधे लिक्विड में, सॉरी सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में, यानी ठोस से सीधे गैस में चले, जैसे कपूर को गर्म करो पिघलता नहीं है, सीधे भैया भाप बन के उड़ जाता, तब उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन यानी उधर्वपातन। तो इस कर्व के इधर तो ठोस था यानी बर्फ था, लेकिन जैसे इधर आया तो ये वेपर बन गया, वेपर मतलब भाप बन गया, डायरेक्ट उड़ गया भाप बन के। तो ठोस से सीधे गैस की अवस्था में जाना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। इसलिए इस कर्व को हम लोग कह रहे हैं सब्लिमेशन कर्व। और ये क्या है? वेपर प्रेशर कर्व है। इसके इधर इधर क्या था? पानी था। इसके उधर जाते ही क्या हो गया? देखो भाप बन गया। तो ये कर्व वो है जिस कर्व के उधर पानी है और इधर जैसे इसके ऊपर थोड़ा हम लोग बढ़ेंगे वैसे ही वो क्या बन जाएगा? वेपर यानी भाप बन जाएगा। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, समझ लो जो आपने डायग्राम देखा है वही आपको लिख देना है कि भैया हम लोग फीचर्स ऑफ फेज डायग्राम क्या क्या देखा। सबसे पहले कुछ कर्व देखे हैं, कर्व कौन से हैं बताओ? OA, ये देखिए यहाँ पे OA, OB, OC, सारे कर्व हमने लिख लिए, ठीक। उसके बाद ट्रिपल पॉइंट एक ही है यहाँ पे, ट्रिपल पॉइंट है O। सर जी, ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है अभी आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ट्रिपल पॉइंट मतलब तीन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तीन अवस्थाएं मिल रही हैं। यहाँ पे देखो इस पॉइंट के इधर बर्फ है, उधर पानी है और इधर भाप है, नीचे देखो वेपर है, ऊपर कौन है? पानी है और इधर कौन है? बर्फ है। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जिसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। ट्रिपल पॉइंट का क्या मतलब है? जिसके इधर कौन बताओ? एक पानी हो गया, इधर दो बर्फ हो गया, इधर तीन भाप हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से चलता है ट्रिपल पॉइंट। उसके बाद हमने क्या लिख दिया? एरिया। एरिया कौन कौन से हो गए बताओ? ये लो भैया, एक तो एरिया हो गया ए ओ सी, ऊपर वाला एरिया हो गया, बी ओ सी इधर वाला एरिया हो गया, ए ओ बी नीचे वाला एरिया हो गया। तो तीन एरिया इसमें दिख रहा है सर, ठीक। कोई रटने की जरूरत नहीं है भाई, मेटा स्टेबल स्टेट होती है। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है? सरल भाषा में बता दे रहा है कि आपने देखा होगा, अपने तरीके से बताते हैं, आपने देखा होगा कितने लोग कमेंट करके बताइए, हालांकि कोल्ड ड्रिंक्स पीनी नहीं चाहिए लेकिन ठीक है यार, कभी कभी चल जाती है। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने माजा जो लोग पीते हैं उन्हें बड़ी अच्छी लगती है, और हमारे टाइप लोगों को तो पता क्या लगता है, माजा को कभी कभी फ्रीजर में डाल देते हैं तो वो पूरी तरीके से जमी नहीं होती है लेकिन उसमें बर्फ बर्फ दिखने लगता है। देखा होता सर, वो बीच की स्टेट है, उस समय वो ना तो लिक्विड की स्टेट में है और ना ही वो ठोस की स्टेट में, वो बीच की स्टेट है। उस बीच की स्टेट को ही हम लोग कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। नहीं, एक स्टेट आती है जिंदगी में 20-22 साल में, जब ना तो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा मैच्योर होता है और ना बहुत ज्यादा बेवकूफ, वो लटक रहा होता, बीच में भुगत रहा होता, उसी को मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, जिसमें भी आप लोग हो सर, ठीक है। कंफ्यूजन में हो कि बीएससी करी है तो अब उसके बाद बीएड करेंगे या फिर एमएससी की तरफ जाना चाहिए, मतलब कंफ्यूज में चल रहा है, अपनी आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश कर रहा हो, तो मेटा स्टेबल स्टेट होती है सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्व ओए की। क्या है कर्व ओए? यह है बॉइलिंग पॉइंट कर्व होता, खुद देख सकते हो मेरे भाई, इसमें कुछ रटना नहीं है, बताओ अपने आप। ओ ए कर्व ओए क्या है? इसके इधर इधर ये वाटर, इसके इधर कौन है? ये वाटर है। जरा हम आपको समझाते हैं, देखो भाई इसके इधर है ये वाटर, ठीक, और इसके इधर कौन है? वेपर है। ये ओए कर्व है। अब ओए का मतलब क्या है यार? पानी भाप में कब बदलेगा? जब उसे गर्म करोगे। गर्म करने मतलब जब गर्म करोगे तो वो उबलने लगेगा। उबलने को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। क्या कहते हैं मेरे भाई? बॉइलिंग कहते हैं। उबलने को कहते हैं बॉइलिंग। तो ये कर्व कहलाएगा बॉइलिंग कर्व। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ओए के नीचे ये वाटर है, ओए के ऊपर ये वाटर है और ओए के नीचे क्या है? ये वेपर है। तो हम लोग लिख के दिखाएंगे कि ओए क्या है मेरे भाई? बॉइलिंग कर्व। जरा आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए सर, यहां लिखा हुआ कर्व ओए क्या? यह है बॉइलिंग पॉइंट कर्व या वेपर प्रेशर कर्व भी उसी को कह देते हैं, जिस पर वाटर और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था की, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। इसके ऊपर चले जाओगे पानी मिल जाएगा, नीचे चले जाओगे भाप मिल जाएगी सर, ठीक है, या फिर पानी से भाप और पानी से, समझ रहे हैं सर आप? सदी आपस में कंफ्यूज होगा, लो हिंदी, वाटर से वेपर और वेटर से वेपर आए रे।
वाटर से वेपर और वेपर से वाटर, ठीक है भाई। उसके बाद कर्व ओबी है, आप भावनाओं को समझ गए होंगे कुल मिला के। देखिए भाई कर्व ओबी क्या है, ओबी के इधर इधर कौन है, ये आइस है, और इधर इधर कौन है वेपर। हमने आपको बताया जब ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होगा, ये कभी कभी होता है जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स चल रही होती है, ठीक है। तो अब उसे क्या कहते हैं, सबलिमेशन। जैसे कपूर को गर्म किया वो पिघला नहीं, सीधे भाप बन के उड़ गया, तो हम लोग इस कर्व को कहेंगे सबलिमेशन कर्व। वही हमने लिख दिया, यह है बॉइलिंग पॉइंट कर्व या वेपर, सॉरी यह सबलिमेशन कर्व होता है जिस पर आइस और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम होता है। भाई सीधी सी बात है, लिख दिया इधर भैया कौन है बर्फ है और उधर कौन है भाप है, बात खत्म हो गई। फिर है कर्व ओसी। कर्व ओसी क्या है, फ्यूजन कर्व है। ये फ्यूजन कर्व क्या होता है भैया, जहां पे बर्फ पिघल जाएगा पानी के अंदर, अभी हमने आपको ऊपर समझाया था, तो बर्फ पिघल जाएगा काय में, पानी में, बात खत्म हो गई। फॉर ऑल कर्व, अब ये जितने भी कर्व हम लोगों ने लिए हैं, यहां पे आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखो भैया बहुत आराम से समझा रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी कर्व हमने लिए उन सबका कंपोनेंट कितना है, एक है, क्योंकि फार्मूला तो चाहे वो ठोस हो चाहे बर्फ हो चाहे पानी हो चाहे भाप हो, सब में फार्मूला क्या होगा, H2O होगा, और फार्मूला H2 है, इसका मतलब कंपोनेंट कितना है, देखो एक है। तो सब कर्व के लिए कंपोनेंट है मेरे भाई एक, ठीक। और सबके लिए फेजेस कितनी है, फेजेस सब में दो चल रही है। क्यों दो फेजेस क्यों चल रही है भाई, कभी अरे यार हर कर्व के ऊपर क्या है, मान लिया इधर बर्फ है और इधर कौन है पानी है, तो सब में दो फेजेस चल रही है हर कर्व के, इधर कुछ है उधर कुछ है, तो सबके लिए फेजेस कितनी ले ली, दो। अपना वही फेज रूल लगाया जो हमने जहां से वीडियो स्टार्ट किया था, F बराबर C माइनस का P+2। सी का मान कंपोनेंट कितना है, एक रख देंगे, आराम से समझो इसे, कंपोनेंट एक क्यों है, क्योंकि पानी कोई अवस्था हो फॉर्मूला तो एक ही होगा मेरे भाई, और कर्व के दोनों तरफ दो फेजेस चल रही है, तो P की जगह 2 रख दिया, +2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई एक। और जब एक आ गई तो हम लोग उसे कहते हैं मोनो वेरिएंट, मोनो माने एक, यानी जितने भी कर्व हैं वो सब मोनो वेरिएंट हैं। क्या है, मोनो वेरिएंट, यानी अगर, अरे जाहिर सी बात है, अब दोनों में से अगर आप एक का मान निकाल लोगे तो दूसरे का मान अपने आप पता चल जाएगा, ठीक भाई। उसके बाद ट्रिपल पॉइंट क्या होता, तो हमने आपको समझाया अभी कर्व में ट्रिपल पॉइंट क्या होता, जहां पर तीनों पॉइंट एग्जैक्ट, मतलब ठोस द्रव गैस तीनों के बीच में जो पॉइंट है वो ओ वाला पॉइंट है, तो इसे हमने लिख दिया आइस वाटर वेपर, जहां पे तीनों हमें मिल पा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब अगर हम लोग इसे आराम से समझेंगे तो मेरे भाई जो कंपोनेंट है वो तो एक ही रहेगा, क्योंकि पानी हो बर्फ हो कुछ भी हो सर, फार्मूला सबका H2O ही है सर, ठीक है, तो कंपोनेंट तो वन हो गया, लेकिन फेजेस ट्रिपल पॉइंट पे तीन हो गई, दो नहीं, क्योंकि कर्व पे फेज दो थी, कर्व के ऊपर कुछ और कर्व के नीचे कुछ और, लेकिन ट्रिपल पॉइंट का नाम ही ट्रिपल पॉइंट है, उसके तीनों तरफ वो कवर कर रहा है, तीनों के बीच में बैठा हुआ है मेरे भाई, तो फेजेस कितनी हो गई, तीन हो गई। फिर से फार्मूला लगाया F बराबर C माइनस का P+2, ठीक। सी का मान एक रख दिया क्योंकि कंपोनेंट एक, लेकिन अब की पी का मान तीन रख दिया, क्यों तीन रखा भाई मान, क्योंकि मेरे भाई ट्रिपल पॉइंट है यार, और टू वैसे रहने दिया, ये कैंसिल हो गया, तो एफ का मान कितना आ गया, जीरो, यानी ट्रिपल पॉइंट जो है वो नॉन वेरिएंट है, वेरी नहीं कर रहा, वहीं पे है सर, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, जीरो आ गई सर, ठीक। फिर एरियाज की बात करें तो एरिया कौन कौन से थे, एओबी थे, एओसी और बीओसी थे। एरिया प्रेशर और टेम्परेचर की केवल वह कंडीशन है जिसमें केवल एक ही फेज होती है, आप देख लो भाई कोई भी एरिया देख लो, मान लिया आपने ये वाला एरिया देखा, इधर वाला एरिया लो सर दिखाते हैं, मान लिया ये वाला एरिया है, चलिए सर देखिए ये वाला एरिया, तो इस एरिया में सिर्फ क्या है मेरे भाई, वेपर है, इस एरिया में सिर्फ क्या है मेरे भाई, वाटर है, और इस एरिया में सिर्फ क्या है, आइस है, यानी हर एरिया में केवल एक ही फेज है मेरे भाई, तो जब एक ही फेज है तो फिर आपकी फेज भी एक और कंपोनेंट तो भैया एक है ही, देखिए सर कहां गया, ये रहा, ये है सर, तो एरिया ये देखिए यहां पर मैंने लिख दिया कि एरिया कितना है, बीओसी वाला आइस है, एओबी वाला वेपर है, यानी सबके लिए एरिया कितना है, एक, ओ सॉरी कंपोनेंट कितना है, तो एक है, और फेज भी सबके लिए कितनी होगी, एक होगी। फिर से हमने वही फार्मूला लगाया और एफ का मान इस बार 2 निकल के आया, यानी जितने भी एरियाज हैं वो सारे के सारे क्या है, डाई वेरिएंट है, ठीक है। और उसके बाद हम लिख देंगे मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, लिख दिया भाई लिक्विड वाटर को बिना फ्रीज किए, अब देखो जमाया नहीं हमने, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखा जा सकता है, इस प्रोसेस को सुपर कूलिंग कहते हैं, तथा वाटर को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड वाटर वाटर की मेटा स्टेबल स्टेट कहलाती है, यानी 0 डिग्री से नीचे है लेकिन हमने जमा नहीं रखा, उसे बहुत ज्यादा ठंडा कर रखा है, वो पूरी तरीके से जमा हुआ नहीं है, यह है मेटा स्टेबल स्टेट मेरे भाई, ठीक। तो ये जो हम लोग अभी तक देख रहे थे यह था सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, अब हम लोग बात करेंगे डुअल कंपोनेंट सिस्टम की। डुअल कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट चलेंगे एक साथ, जरा देखना भाई कैसे। तो अगला अपना जो सिस्टम है वो क्या है, आइए दिखाते हैं, वो है सिल्वर लेड सिस्टम, जरा आराम से समझिए, पीबी
एजी सिस्टम। हम लोग क्या करेंगे, पीबी और एजी दो सिस्टम्स को समझेंगे, मतलब इस पूरे एक सिस्टम को समझेंगे जिसमें पीबी और एजी। पहले तो समझ लो पीबी क्या होता है। पीबी होता है मेरे भाई लेड। लेड का नंबर कितना होता है सर जी, 82 होता है, इसी को हम लोग सीसा भी कहते हैं, ठीक भाई। उसके बाद एजी क्या होता है, एजी होता है भैया सिल्वर, मतलब चांदी होती है, और इसका नंबर कितना होता 47 होता मेरे भाई, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हमारे यहाँ प्रैक्टिकल वगैरह देने गए, उनने पूछ लिया भाई तुम्हारे कोर्स में कौन सा सिस्टम है, डुअल कंपोनेंट सिस्टम जानते हो, बोले हाँ बताओ सर जी सिल्वर लेड सिस्टम है, सिल्वर का प्रतीक पता, हाँ एजी है, चलो ठीक। नंबर पता, नहीं पता, ऐसे याद कर लो 47 चांदी का, जैसे 47 बेट कोड़ी का होता, कोड़ी चांदी जैसी तो होती है सर, चांदी जैसा रंग है तेरा, याद आया कुछ, अब ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम आपके पास कम है, पेपर है आपका। तो पीवी एजी सिस्टम क्या है, आइए देखते हैं। इसमें कंपोनेंट कितने हैं, दो हैं, पहले सिर्फ H2O चला था, अब ऐसा नहीं, अब की एजी भी है इसमें और पीबी है, तो इसमें कंपोनेंट है मेरे भाई टू, ये डुअल कंपोनेंट सिस्टम है। उसमें सिर्फ H2O था तो एक कंपोनेंट था, यहां पे पीबी भी है एजी भी है, इसका मतलब कंपोनेंट कितने हैं, दो हैं मेरे भाई, ठीक है। आइए समझते हैं भाई, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फेजेस कौन कौन सी चलेंगी आप ये समझिए। सबसे पहली एक फेज होगी जब एजी मतलब चांदी जो है वो ठोस होगी, सॉलिड एजी की फॉर्म में होगी। दूसरा जो पीवी है वो भी सॉलिड होगी। एक आएगा यूटेक्टिक सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ एजी एंड पीवी, यूटेक्टिक लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ एजी एंड पीवी। यूटेक्टिक सॉल्यूशन को सरल भाषा में कहते हो, जैसे हम लोग उसमें मेटा स्टेबल स्टेट कर रहे थे, बीच की स्टेट, उसी तरीके से आप जैसे उसमें हम लोग ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहे थे, वैसे इसमें एक यूटेक्टिक पॉइंट होगा जहां पर दोनों आके लगभग एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। कैसे जरा समझिए, उसके लिए आपको ये ग्राफ समझ, इस चित्र समझना, आप एक बात आराम से समझ लो मेरे भाई, ये ग्राफ आप देख लो। इसके बाद एक बिस्मत कैडमियम सिस्टम भी आता है, वो हम आपको नहीं करा रहे हैं फिलहाल, तो वो आएगा नहीं, लेकिन बाय चांस अगर वो आ जाए तो आप क्या करना, जहां जहां यहां से भैया क्या करोगे, अभी उसका चित्र तो हम दे ही देंगे, उसमें क्या यहां पीबीएजी चल रहा है, उसमें क्या है बीआईओ सीडी चल जाएगा, उसमें बीच में देखो बिल्कुल सब बिल्कुल वैसे ही चलेगा, उसमें इधर क्या है, इधर 100% 10% लिख गया, अभी आपको दिखाएंगे, ये 100% है सर, ठीक है। उसमें इधर 100% एजी है, उसमें बीआई हो जाएगा, इसमें 100% पीबी है, उसमें सीडी हो जाएगा, बस इतना सही चेंज होगा, अभी हम आपको दिखा देंगे। तो देखो भाई कितना आसान है, क्या है अपने पास पीबी और एजी सिस्टम, ठीक। पीबी एजी सिस्टम क्या करेगा, यहां वाली जो ये 100% है, ये वाला जो पॉइंट है यहां पर अपने पास 100% चांदी है, ठीक, और 0% जो है वो पीबी है। 0% पीबी का मतलब क्या, लेड इस समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन चांदी इस पॉइंट पे 100% है, और इस पॉइंट पे जो है 100% पीबी है, ठीक, और 0% मेरे भाई एजी है, ठीक है भैया। इस तरीके का सिनेरियो है। अब क्या होगा मेरे भाई, अब ये लोग जो भैया मिलना पिघलना शुरू करेंगे, ठीक, धीरे धीरे मिक्स होना शुरू करेंगे, इसकी वैल्यू इधर से कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम, एक पॉइंट यहां पर आ गया है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। क्या कहेंगे, यूटेक्टिक पॉइंट। यहां पर 97.6% पीबी है, ठीक है, ये भी इधर से कम होता हुआ आया आया कम होके यहां पे 97.6% पीवी रह गया, और सिर्फ 2.40% रह जाएगा एजी सर, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहेंगे यूटेक्टिक पॉइंट, उस सॉल्यूशन को कहेंगे यूटेक्टिक सॉल्यूशन। टेम्परेचर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, 327 पे ये है, 961 पे ये है, बाकी कोई इतना बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। देखिए वही लिखा हुआ कर्व OA, देखो भाई कर्व OA क्या है, लो देख लो, डरना नहीं है मेरा भाई, कर्व OA क्या है, लो देखो भाई, ये है कर्व OA, देखिए सर कर्व OA, OA क्या है, A वाले कर्व पे 100% अपने पास एजी था, या 10% लिखा है इसे सही करना, 100% एजी था, जो धीरे 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 करके कम हो गया सर, ठीक। कर्व OB क्या है, जहां पे अपने पास 100% पीबी था, जो धीरे धीरे करके कम होएगा, तो यही लिखा हुआ है, देखिए 100% एजी 961 पर पिघलना शुरू करता है। यदि इसमें पीबी की मात्रा मिलाते हैं तो पीबी का अमाउंट बढ़ने, इंप्योरिटी पीबी का अमाउंट बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट कम होने लगता है। जब पिघले हुए एजी और पीबी के मिक्सचर को ठंडा करते हैं तब कर्व OA और एजी जमने लगता है, जबकि 97% पीबी रह जाता है और 2.4% एजी एक यूटेक्टिक सॉल्यूशन बना लेता है, जिसके नीचे ये सॉलिडिफाई हो, यानी उसके नीचे ठोस हो जाता है, ठीक है। और वो टेम्परेचर कितना होता, 303 डिग्री सेंटीग्रेड, 961 से चले 327 से चले, लेकिन आते आते कहां आ गए, 303
तीन पे। तो इस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे यूटेक्टिक पॉइंट की। क्या पॉइंट है ये? उस पॉइंट पर लिक्विड फेज या सॉलिड फेज दोनों कंपोजिशन सेम होती है, यानी इसके ऊपर जाओगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, नीचे आओगे तो वो सॉलिड होता चला जाएगा। अभी हमने पॉइंट दिखाया था कि पीवी कितना था 97.6%, एजी कितना था 2.4%। ऐसे पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। उसमें ट्रिपल पॉइंट है, इसमें यूटेक्टिक पॉइंट, क्योंकि उसमें तीन फेज मिल रही थी, इसमें दो लोग मिलना है सर, ठीक है। इस सॉल्यूशन को यूटेक्टिक सॉल्यूशन कहते हैं तथा प्राप्त कंपोजिशन को यूटेक्टिक कंपोजिशन कहते हैं, तथा पॉइंट ओ के कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर में यूटेक्टिक मेल्टिंग पॉइंट 303 डिग्री सेंटीग्रेड है सर, ठीक है। ये जो हम लोग ग्राफ लेके चल रहे हैं इसमें यूटेक्टिक टेम्परेचर कितना है 303 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक भाई। अब कुछ कर्व की बात कर लो, कर्व OA है और कर्व OB है, तो भैया बताओ इसमें कितने कंपोनेंट चल रहे हैं? दो, एक AG चल रहा है, एक PB चल रहा है, तो कंपोनेंट कितना हो गया? दो। फेजेस भी कितनी है? दो ही है, या तो सॉलिड है ठोस हो जाएगी नीचे, और या फिर क्या होगा सॉल्यूशन रहेगा दोनों का, तो दो फेज होंगे इसमें। फिर अपना वही नियम लगाएं, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू था सर जी, बन कहां से आ गया मेरे भाई? जब कंपोनेंट दो होते हैं तो उसके लिए जो फेज रूल है वो ये होता है F बराबर C माइनस P प्लस 1। तो यहां पे 1 लगाएंगे, F बराबर आ जाएगा 1। ये बात याद रखिएगा, ये जो हम लोगों ने सबसे पहले से लिखा हुआ है ये C माइनस का P प्लस 2, ये सिंगल कंपोनेंट के लिए है, डबल कंपोनेंट के लिए क्या होता है C माइनस P प्लस 1, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है वरना आप कहीं कंफ्यूज हो जाए। लीजिए सर, यहां पे एफ की वैल्यू जीरो आ गई। उसके बाद एक पॉइंट आता है डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। सरल भाषा में कहते हैं लेड का विरजतीकरण, लेड को अलग कैसे करा जाता है मेरे भाई, सिल्वर से अलग कैसे करा जाता है, डीसिल्वराइजेशन मतलब सिल्वर को अलग कैसे करेंगे लेड से। तो बिल्कुल सरल है, गैलेना क्या है, पीवी का एक अयस्क होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में सिल्वर होता है, ठीक है, सदैव पीवी के साथ यूटेक्टिक सॉल्यूशन बनाता है, पीवी से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसे गर्म करते जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट से, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं, एक डेफिनेट टेम्परेचर आता है जब यूटेक्टिक सॉल्यूशन बन जाता है। सारी चीजें वही लिखी हुई है, और आखिरी में जब बार बार हम लोग उसे अलग अलग करते रहते हैं, गर्म करते हैं ठंडा करते हैं, तो जो पूरा धातु निष्कर्ष होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मेटलर्जिक प्रोसेस, उस मेटलर्जी प्रोसेस जिसमें फेन प्लवन होता है, भर्जन होता है, प्रगलन होता है, बेसेमरीकरण होता है, इस तरीके के कई प्रोसेस होते हैं अलग अलग में, ये सब सीयू के थे, ऐसे पीबी में कुछ और होता है, ये सब प्रोसेसेस को करा के हम लोग आसानी से सिल्वर को अलग कर सकते हैं मेरे भाई। मतलब सरल भाषा में डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड का मतलब होता है लेड से चांदी को अलग करना मेरे भाई, ठीक। आखिरी में हमने यहां पर एक ग्राफ और लगा दिया, बिल्कुल देखिए सेम ग्राफ है मेरे भाई, उसमें कौन था पीबी और एजी, इसमें कौन है जेडन और सीडी, उसमें इधर 100% एजी था, इसमें कौन है जेडन है, उसमें 100% पीबी था, इसमें कौन है सीडी है, यहां से कम होना शुरू हुआ था, यहां पर एक पॉइंट मिला था, उस पॉइंट को क्या कहते थे यूटेक्टिक पॉइंट। सब कुछ वैसे ही लिख देना, यहां तक की कंपोनेंट सिस्टम सारी चीजें फेज रूल सब कुछ वैसे ही लगा देना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जेडन सीडी सिस्टम तब, ठीक है मेरे भाई। और ये लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है, तो मेरे भाई मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, वाटर सिस्टम, पीबीएजी सिस्टम और जेडन सीडी सिस्टम, इन तीनों में से आपको लॉन्ग में एक या दो सिस्टम मिल सकते हैं। इनकी पीडीएफ हम डाल देना है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए बीडीकेडीएन बीएससी, 15,000 से ज्यादा लोग वहां पर जुड़े हुए हैं और सारी चीजें लिंक वगैरह वहां पे शेयर कर दिए जाते हैं। ये छठी वीडियो थी, कोशिश रही लगभग इन सिक्स वीडियोज में सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट रही है तो नीचे कमेंट करके बताइए। कल से लेके परसों तक सातवीं वीडियो भी आ जाएगी जिसमें कुछ स्ट्रेटजी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही साथ कुछ छूटी हुई चीजें भी मिलने वाली हैं। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लीजिए बीडीकेडीएन बीएससी। और अब ये जब पूरा कैप्सूल क्लास स्टार्ट हो गया तो यही सारे क्लासेस विद नोट्स के साथ उठा के डाल दिए जाएंगे, हम लोगों की एप्लीकेशन है टेलीग्राम बीडीकेडीएन पे, आप चाहें तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।